ऑटोकैड के अंदर 3D राउंड स्टेप बनाएंगे और ऊपर उसके ग्रेस वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऑटोकैड हम ओपन करते हैं। ऑटोकैड ओपन करने के बाद फिर हम उस पे पहले सेटअप चलाएंगे। सेटअप चलाने के बाद फिर हम 3D राउंड स्टेप बनाएंगे, ठीक है। बैठ जाओ ना। तो सेटअप पे सबसे पहले हमने जो विजिट एडवांस सेटअप पे क्लिक करना है, वो विजिट ये चलाना है कि यूनिट्स में आपने इंजीनियरिंग कर लें, इसे 0.0 सेकेंड डिग्री पर मिनट पर सेकंड कर लें, ये करके ये भी रहने दें। ये से 100 फुट कर दें, आप नीचे भी 100 फिट रहने दें और पेज पे क्लिक कर दें, फिनिश कर दें। डायमेंशन सेटिंग में आपने जाके कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, उसके नाम लिए खत्म आप कर दिए सर। डी एंटर कर दें, ठीक है। डी एंटर आप कर दें। यहाँ पे डायमेंशन की सेटिंग में आप मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में आप जाने के बाद यहाँ पे एरो साइज आप चेंज करेंगे, ये 9 में कर देता हूँ, टेक्स्ट जो है वो भी 9 कर देता हूँ, टेक्स्ट हाइट वगैरह भी, ठीक है। इसको ओके करके सेट करें, करेंगे क्लोज करेंगे इस तरह, सेट एंटर एंटर करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो ये काम करना है कि हमने एक सर्कल ड्रा करना है। एक सर्कल मैंने लिया, 10 फुट का सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, सी एंटर। सी एंटर करने के बाद मैंने 10 फुट लिख दिया, ये 10 फुट का सर्कल हो गया। अब मैंने एक और सर्कल ड्रा करना है जो कि मेरे पास हो तकरीबन 10 इंच का, ठीक है। तो सी एंटर करने के बाद पॉइंट पे किया, 10 इंच कर देता हूँ, ये काफ़ी होगा। अब मैंने एक लाइन लेनी है, मैं लाइन लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ। एल एंटर करने के बाद यहाँ से मैं ये लाइन इधर मिला देता हूँ। अब मैं इसी सर्कल को मूव करके इस लाइन पे फिट करता हूँ, ठीक है। इस लाइन पे यहाँ पे इस पॉइंट पे फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद अब मैंने अरे पे जाना है। अरे पे यूज़ करना है हमने पोलर अरे। पोलर अरे में सबसे पहले मैंने इसे सेंटर पॉइंट बताना है। सेंटर पॉइंट बताने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, इसको मैं तकरीबन 20 दे देता हूँ, ठीक है। 20 देने के बाद मैं जब ओके करता हूँ तो ये 20 आ गई। इसी तरह ये जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, ये सर्कल अब इसके दरमियान में हो तो ज़्यादा बेहतर। ऐसे यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक लग रहा है, थोड़ा है बड़ा सर्कल, लेकिन हम ऐसा करते हैं थोड़ा छोटा सर्कल ले लेते हैं। सी एंटर करके हम अगेन सर्कल लेते हैं, 5 इंच का ले लेते हैं, 10 इंच बहुत ज़्यादा होता है, और इसे मूव कर देते हैं। एम एंटर के साथ मूव करने के बाद इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ पे मैं लगा दिया। अब यहाँ पे मैं लगा दिया। अब अरे यूज़ करते हुए इसे मैंने सारे कोने में लगाने हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और 20 जगहों पे अप्लाई करना है, तो ये सारे अप्लाई हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसे इस व्यू में चेंज करना है। अब इनको बाउंड्री कर देना है। बाउंड्री करने से पहले मैं इसके अंदर भी एक सर्कल लगा क्लास नंबर में रखेंगे। हाँ नंबर में कर दें, मतलब वो टेक्स्ट टाइप ही उसे कर दें ना। इसी तरह फिर नेक्स्ट हम सर्कल एक इसके अंदर लगा लेते हैं। सी इंटर किया, पॉइंट पे किया, ये कर लेते हैं तकरीबन 10 इंच करके देखते हैं, ठीक है। 10 इंच भी ठीक है। अंदर से इसको ट्रिम कर देते हैं, टी आर डबल इंटर हम करते हैं। टी आर डबल इंटर करने के बाद इसको हमने ट्रिम कर दिया। अब हमने नेक्स्ट इसका व्यू आइसोमेट्रिक करके इसमें इसको पहले बाउंड्री कर लेना है। बी ओ एंटर बाउंड्री की शॉर्टकट है, बाउंड्री के लिए वो क्लिक करें, फिर पिक पॉइंट करें, एक एक पॉइंट आप एक करके बाउंड्री अप्लाई करें, ठीक है। ये मैं सारे पॉइंट पिक करके इसको अप्लाई करूँ, ये सारे अप्लाई हो गए, ठीक है। अब ये कहते हैं बाउंड्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये सारे बाउंड्री हो गए। अब मैंने इनको एक्सट्रूड करना है। इनको एक्सट्रूड करने के पहले मैं सर्कल को एक्सट्रूड करूँगा। सर्कल मैंने कितने एक्सट्रूड करने हैं, तकरीबन तकरीबन 6-6 फुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस सर्कल को पकड़ा हुआ, इस सर्कल को, इस सर्कल को, इस सर्कल को,
जितने मेरे पास सर्कल हैं इन सबको मैं पिक करके एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। इन सबको मैं एडिटिंग करके एक दफ़ा ही इन पे एक्सट्रूड अप्लाई कर दूंगा। इनको भी सिलेक्ट किया, अब मैंने राइट क्लिक करके इनको मैं 6 फुट की हाइट दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो बाकी रह गए थे नीचे वो उसको मैं एक्सट्रूड करना है। XT एंटर हमें करके अब मैं इनको एक्सट्रूड कर दूँ, 1 2 3 4 5, फिर इस तरह छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां, इस तरह एक एक और एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। एक एक को आपने करना है, ये ना हो के आप वो करते हैं, और ये आखिरी, इनको 1 फुट की हाइट दे देते हैं, 1 फुट हाइट दे दी। अब इसके बाद मैं इसे टॉप व्यू में ले आता हूँ। टॉप व्यू में लाने के बाद मैं इसके अंदर बाउंड्री करूँगा, जो मिड का इसका सर्कल है उसे मैं पिक करके बाउंड्री करता हूँ। बाउंड्री करके राइट क्लिक करके मैं अब इसे एक्सट्रूड करूँगा, और इसे 20 फुट एक्सट्रूड करना है। इसे मैं सेलेक्ट करके 20 फुट एक्सट्रूड करूँगा, 20 फुट लिख दिया, इंटर कर दिया, ये एक्सट्रूड भी हो गया। अब मैं इसे जब शेडिंग देता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्टेप बन के आती है, ठीक है। अब मैंने उसी तरह ही लगाना है, तो मैंने इसको भी पकड़ना है और इसको भी, दोनों को सेलेक्ट करके मूव करना है, एम एंटर, और ये करना है उठाना है नीचे वाला, इसको इस पर अप्लाई करना है, फिर इसी तरह नेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। गलत सिलेक्शन ना हो ये बहुत ख्याल करने हैं अपने, पहले इसको आप सेलेक्ट सर कर लें, ठीक है जी। सुपर एडिंग्स वाला तो कर दिया, अब इसे सेव कहाँ से करना है जाना। क्लोज करके आप जब देखेंगे इसको फाइल को, क्लोज यस की ऑप्शन करेंगे ठीक है जी। तो अब आप ये इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई इस तरह, इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको भी मूव कर लेते हैं। इसी सीक्वेंस के साथ मैं इनको बार बार ही कराता जाता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसके साथ इसको सिलेक्ट करूँगा, इस तरह जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसे इसी तरह आपको सेलेक्ट करने है, और एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये नेक्स्ट, फिर इसको थोड़ा सा आप इधर मोड़ लें, इस व्यू से आप चेंज कर लें, ये इस तरह सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको मूव करें, एम एंटर, इसकी कमांड यूज़ करें, यहाँ से बस यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है। फिर इसी तरह आपने इसको भी सिलेक्ट करना है, इसी तरह मूव करनी है, ठीक है, इस तरह नेक्स्ट आपने मूव करना है, ठीक है। एम एंटर, इस तरह इसकी भी कमांड होगी, इसको भी आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे, यहाँ पर पिक कर दिया, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, इसको भी इस तरह मूव कर दें, एम एंटर मूव कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छा क्लिक कर दें, वालेकुम सलाम, इस तरह नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, इसको भी आपने इसी तरह एज इट इज सेलेक्ट करना है, और एम एंटर करके मूव कर देना है, इसको भी यहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। अभी नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ें रहेगी इनको भी इसी तरह सेलेक्ट करते हैं, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, अब एम एंटर मूव, ठीक है, ये भी मूव हो गया। अभी इसी सीक्वेंस के साथ आप करेंगे तो सही मूवमेंट भी हो रही है और कोई मसला बीच में नहीं आ रहा है। एम एंटर पिक किया, ये ऊपर लगा दिया, इसी तरह नेक्स्ट आपने वैल्यू इसी तरह मूव करना है, एम इंटर, इसकी कमांड अप्लाई की, इसको यहाँ से पिक किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इस तरह नेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया, एम इंटर, ठीक है। ये स्टेप हमारे पास 20 के करीब है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप स्टेप्स कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉपर वो बनाना है, इस वजह से इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और इसको एक लास्ट टाइम यहाँ पे रोटेट। अब ये थोड़े से जो रह गए हैं इनको आप अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट, अब मूव, एम एंटर, यहाँ से वही कर्नर पिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह हम जो ये बाकी के रह गए हैं, एम एंटर करके यहाँ से मूव करके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह ये रह गया, इसको सिलेक्ट किया, एम एंटर करके यहाँ से पकड़ के यहाँ पे मूव कर लिया। अभी एक दो रह गए हमारे पास, ये दोनों मैंने सेलेक्ट किए, एम एंटर, यहाँ से नीचे से कॉर्नर से पकड़ना है, यहाँ पे लगा देना। इसी तरह ये हमारा थर्ड वन है, इसी तरह ये भी अप्लाई कर दिया, और ये हमारा सेकंड लास्ट, इसको भी सिलेक्ट किया, मूव एम एंटर,
नीचे से वर्क करके आपने इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और आखिरी जो हमारे पास जो स्टेप रहेगी थी अब उसकी बारी है, तो इसको भी एम इंटर और ये करना फिर सेम तरीके से वर्क करिए बिल्कुल बराबर। अब ये देखें इसका व्यू आप चेंज करके देख लें, तो ये देखें ये देख अब बैकग्राउंड स्टेप। अब इसके ऊपर ग्रेल कैसे लगानी है, ग्रेल लगाने के लिए आपने 3D पॉलीलाइन लेनी है, ठीक है। 3D पॉलीलाइन के लिए आप ड्रा में 3D पॉलीलाइन पे क्लिक करोगे और यहाँ से 3D पॉलीलाइन पे करोगे, ये यहाँ से जाती जाती ये जा रही है, ठीक है। ये लगाते जाएं जो जो इसके मिड पॉइंट आपको सर्कल के इसके मिल रहे हैं उस पे अप्लाई करते जाएं। ये अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है, ये साथ साथ अप्लाई हो रहा है। ये इस तरह आपने अप्लाई करनी है इस तरह, ये हमारे पास यहाँ तक अप्लाई हो गया है। करते अब आपने टॉप व्यू में आना है, टॉप व्यू में आके आपने इसी तरह का 5 इंच का सर्कल लेना है। 5 इंच का सर्कल लेके आप इसे रोटेट कर दें 3D रोटेट, ठीक है। इसे रोटेट 3D करेंगे मॉडिफाई में जाके और इसे सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस पे इंटर करके 90 के एंगल पे रोटेट कर दें। व्यू अब आप चेंज कर दें, इस सर्कल को यहाँ से पकड़ें मूव करें, इसका पिक पॉइंट आप पिक करके यहाँ से जो ये इसका पिक पॉइंट है यहाँ पे जो वो लगा दें। अब इसे एक्सट्रूड करना है, आपने EXT एंटर करेंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। अब आपने इसको पाथ देना है, हाइट नहीं देनी, P एंटर करना है। पाथ के लिए यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है हाइट ऑफ एक्सट्रूजन आर पाथ, तो P एंटर करना है। P एंटर करके इसे पाथ बताना है कि कौन सा पाथ है। ये पाथ मैंने दिया तो ये देखें इस तरह सारा उस तरह ग्रिल बन के एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा तो यहाँ पे मैं एक स्फेयर ले लेता हूँ। ड्रा में हमने लास्ट टाइम देखा था तो यहाँ पे स्फेयर लेके यहाँ पे और इसका रेडियस इतना सा दे देता हूँ, ये देखें इस तरह ये खूबसूरत हो गया। इस तरह एक स्फेयर यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप। यहाँ पे स्फेयर एक बना लेते हैं, इसको भी पिक पॉइंट में लेके तो ये इतना रेडियस दे दे दूं। इसका पॉइंट को बताना है हमने, यस ठीक हो गया। अब इस तरह के डिफरेंट आप इसको कलर दे सकते हैं, कलर वगैरह दे के इसको खूबसूरत आप राउंड स्टेप को बना सकते हैं, कलर वगैरह आप चेंज कर दें, ठीक है। तो ये आज हमने राउंड स्टेप बनाना सीखी और इस तरह उनके डिफरेंट ऊपर जो कलर हैं इसके कलर हैं वो कलर आप चेंज कर दें, येलो कर दें, प्योर कलर आपको पसंद है वो कलर कर दें, ठीक है। इस तरह जो 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 सिलेक्शन आपकी होगी फिर उसका कलर इस तरह चेंज होगा, ये एक एक कलर। जब ओवरऑल कलर आप चेंज करना चाहते हैं सारा सिलेक्ट करके ओवरऑल कलर आप येलो कर दें, ठीक है। नीचे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको आप हटा दें, नीचे जो सर्कल वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है। व्यू वगैरह आप चेंज कर लें, ठीक है, ये आप हटा दें, इसको भी हटा दें, नीचे जो फालतू चीज़ें थी, ठीक है, ये जो बाउंड्री में आई हुई थी चीज़ें। अब हमने क्या करना है जी, हमने जो इसका रह गया था ये सर्कल एक स्फेयर इस पे भी बना देना है और खूबसूरत से बनाने के लिए स्फेयर ले लेते हैं, यहाँ से सर्कल ले एक पॉइंट में ला देते हैं, ठीक है, इसको भी येलो कलर दे देते हैं बाई लेयर। तो आज हमने एक राउंड स्टेप बनाई, ठीक है, राउंड स्टेप बना के उसके ऊपर ग्रिल वगैरह दी, आप इसे आप रोटेट करके देख सकते हैं डिफरेंट व्यूज में, ठीक है। तो इसे फिर आपने जहाँ भी फिक्स करना है फिक्स कर दें, ठीक है। तो इस क्लास में हमने आज राउंड स्टेप बनाना सीखा और उसके ऊपर ग्रिल लगानी सीखी, ठीक है।
आज के लिए इतना काफी है। Yes.